बता दें कि संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन रहा। ऐसे में राज्यसभा और लोकसभा में आखिरी दिन में भी भारी हंगामा हुआ। इसके साथ ही मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसमें से संजय सिंह पहले से ही मौजूदा सत्र के लिए निलंबित किए गए थे, लेकिन अब उनके निलंबन को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। दरअसल दोनों के खिलाफ सदन की गरिमा का अपमान करने का आरोप लगाया गया है और ये कार्रवाई अनुशासनहीनता, गलत आचरण और संसद की गरिमा का बार बार अपमान करने के आरोपों में की गई है। हालांकि फिलहाल दोनों के मामले पहले से ही विशेषाधिकार समिति के पास लंबित है। राज्यसभा की इस समिति के अध्यक्ष उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। वहीं इससे पहले राज्यसभा में शुक्रवार को सदन के नेता पीयूष गोयल ने दोनों को अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में पेश किया था, जहां पहला प्रस्ताव राघव चड्ढा को सदन से अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित करने के लिए था। इस दौरान उनके गलत आचरण सहित राघव चड्ढा पर दिल्ली सेवा बिल से जुड़े एक प्रस्ताव में 5 सांसदों के सहमति के बिना ही हस्ताक्षर करने के बीजेपी ने आरोप लगाया है। 4 सांसदों ने चड्ढा पर नियमों का उल्लंघन करने और उनकी सहमति के बिना सेलेक्ट कमेटी के गठन के लिए उनका नाम प्रस्तावित करने का दावा किया है और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन पर सांसदों की शिकायतों का संदर्भ देते हुए मामले की जांच के लिए इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। वहीं दूसरा प्रस्ताव संजय सिंह के निलंबन को विशेषाधिकार समिति की जांच पूरी होने और रिपोर्ट आने तक जारी रखने को लेकर था। बता दें कि सत्र के दौरान उनके द्वारा 56 बार वेल में आने और बार बार सदन की गरिमा को गिराने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद सभापति ने दोनों ही प्रस्तावों को मंजूर करते हुए दोनों सदस्यों को अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित कर दिया है। वहीं अब इस फैसले को आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि निलंबित किए गए ये दोनों ही सदस्य सदन में उनके प्रमुख चेहरे थे। इसके अलावा गौरतलब है कि पीएम मोदी पर कठोर टिप्पणी के मामले में इससे पहले लोकसभा से भी गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के सदन के नेता अधीर रंजन चौधरी को अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।